हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के ऊपर, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और बेसिकली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते इसको, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पर इंटरप्रेटर होता है जो कि आपकी पूरी स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करता है और फिर बाद में आउटपुट जनरेट करता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि भाई एक जावा का प्रोग्राम है, वो कंपाइल हो रहा है और उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट फाइल बन के वो आपको एग्जीक्यूटेबल बना के फिर बाद में आप उसको रन कर रहे हो, लाइक दैट। इस प्रकार से यहाँ पर होता नहीं है, यहाँ पर एक सिंपल स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, जो भी आप लिखते हो वो, और वो सीधा इंटरप्रेटर को जाता है पाइथन के, और फिर बाद में वहाँ से वो रन होके फाइनल आउटपुट आपको मिलता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका आपके पास लिनक्स है या फिर विंडोज़ है, वॉट एवर, तो विंडोज़ में तो डायरेक्टली आपको एक पाइथन 3 का UI मिल जाता है, IDE मिल जाता है, जिसमें से आप वो पर्टिकुलर आपको जो भी स्क्रिप्ट या फिर कमांड लाइन, जो भी कमांड्स आपको रन करने हैं वो आप रन कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर लिनक्स है और लिनक्स के ऊपर आपको अगर पाइथन करना है, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना है या फिर कुछ करना है उसके ऊपर, तो किस प्रकार से आप करोगे? तो सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन करना है, और टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको पाइथन टाइप करना है। ठीक है, तो पाइथन यहाँ पर उबंटू में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, तो आपको कुछ अलग से पैकेजेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जा रहा है। उसके बाद में एंटर मारिए, और यहाँ पर देखिए आपको पाइथन का वर्जन 2.7.6 ये भी दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में ये आपका पूरा पाइथन का कंसोल स्टार्ट हो गया अभी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी एक सिंपल आपको कमांड रन करके बताता हूँ, जो कि है प्रिंट। ठीक है, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एंटर मार दिया, हमारा प्रिंट हो गया। तो ये तो काफ़ी सिंपल एग्जांपल था, ये मैंने क्या बताया आपको, कमांड लाइन से आपको अगर रन करना है, तो अगर आपको एक फ़ाइल बना के पर्टिकुलरली उस फाइल से आपको कोई स्क्रिप्ट रन करना है तो आप किस प्रकार से करोगे, तो भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली, अगले वीडियोस में हम डिटेल में इसके ऊपर देखेंगे कि इफ एल्स कंडीशन किस प्रकार से रन हो रही है या फिर लूपिंग किस प्रकार से हो रहा है, और फिर लेटर वीडियोज़ में मैं यहाँ पर पाइथन का GUI भी बताने वाला हूँ, जिसे कहते हैं पाइथन QT और GT और GTK और समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, तो अगले वीडियोस में हम वो सब देखेंगे। हाल फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि पाइथन को मतलब पाइथन प्रोग्राम एग्जैक्टली एग्जीक्यूट किस प्रकार से करते हैं और कंसोल किस प्रकार से उसका चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कंसोल मुझे एग्जिट करना है, तो एग्जिट फंक्शन लिखना पड़ेगा, एंटर, ये एग्जिट हो गया। अभी मैं एक नया पाइथन का स्क्रिप्ट लिखता हूँ जो कि होगा test.py, एंटर, और यहाँ पर सिंपल में प्रिंट स्पेस हेलो वर्ल्ड ये लिखूँगा। अभी सेव करना है मुझे, और फिर क्या करूँगा, सीधे पाइथन स्पेस test.py, ये देखिए इतना सिंपल है। जिस प्रकार से हमने शेल स्क्रिप्टिंग में शेल स्क्रिप्ट रन की थी, शेल स्क्रिप्ट किसे रन की थी, sh स्पेस जो भी आपकी शेल स्क्रिप्ट की फाइल थी वो, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें पाइथन की स्क्रिप्ट अगर रन करनी है तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और बने रहिए मेरे साथ, पाइथन के और वीडियोज़ आने वाले हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।